आज हमने ये बेंच प्रेस टेबल बनाई है जो कि आप देख सकते हैं, नीचे 1.5 इंची पाइप ऊपर 1.5 इंची का, ये MDF 19mm का बोर्ड है इसके ऊपर, ठीक है। और ये इस पर कॉर्नर फिनिशिंग कर दी है और ये रिमूवेबल है, ये ऐसे होल्ड अप डाउन होती है। अब इसको कैसे काम में लेते हैं, इसका बेंच का यूज करते हैं, कैसे काम में आएगी, इसमें हमारे साथ दे रहे हैं पुरुषोत्तम रवा से, जो कि खटाना डिफेंस अकेडमी के स्टूडेंट हैं। आइए आज हम बनाते हैं बेंच प्रेसिंग, जिसके लिए हमने ये बेस के लिए 2x का पाइप लिया है और ये होल कर लिए हैं। इसमें ये एडजस्टर लगेंगे, ये बोल्ट डिबरी बेल्ट करके तो ये एडजस्टर इसमें खिंच जाएंगे बैलेंसिंग के लिए। ये 4 पत्ती तो फिटिंग के लिए, ये 2 हो गए। एक ये हाइट के लिए 1.5 इंची का पाइप लिया है, इसका एक साइड से मुँह बंद कर लिया है, 17 इंची लंबा है। एक ये 9 इंची लंबा है और ये भी 1.5x1.5 का पाइप है। दो पाइप हमने ये 1.5 इंची का दे दिया, 28 इंची का, और इसको 10 डिग्री के ऊपर कटिंग कर लिया है। दो पाइप कर दिए हैं, दो पाइप भी हमने 12 इंची के ले लिए हैं, ये इस पर ऐसे होंगे, और एक ये टॉप के लिए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जो 2x1 का पाइप लिया था बेस वाला, उसके नीचे डिग्री बेल्ट कर रहे हैं। ये हमने एडजस्ट के लिए डिग्री बेल्ट कर ली है, इसके देखिए दोनों साइड, एक मिनट आपको दिखा रहा हूँ एडजस्टर सेट करके। इसमें जैसे ये एडजस्टर है ये वाला, अब इसको हम इसमें सेट कर रहे हैं। हाइट एडजस्टर के लिए काम करेगा, ठीक है। अब आगे शुरू करते हैं।